तू अभी तक घर नहीं गया? इतनी जल्दी कहाँ बाबूजी, अभी तो ग्राहकों के आने का समय शुरू हुआ है। अरे घर पहुंचने में तुझे देर हो गया तो तेरा खराब समय शुरू हो जाएगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए बाबूजी। तेरी फिक्र नहीं, मैं अपनी फिक्र कर रहा हूँ। तू जानता है जो बिजली तेरे घर में चमकती है वो मेरे घर में आकर टूटती है। कर जा कर जा। कहाँ गई होगी? डैडी, डैडी। अरे पिंकी बेटे, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी मुझे बंद करके बाहर चली गई है। कहाँ? पता नहीं डैडी, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या करूँ, दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। ओहो प्रकाश भाई, प्रकाश भाई, आप चाहे तो मेरा आखा मकान तोड़ डालो, लेकिन ये दरवाजे को कुछ मत करो। पता है क्यों? क्योंकि ये दरवाजा मेरे स्वर्गवासी दादाजी की निशानी है जो उन्होंने काठमांडू में बनवाया था, और मेरे माता पिता शादी करके इसी दरवाजे से अंदर गए थे, और इसी दरवाजे से उनकी अर्थी भी बाहर निकली थी, और एक दिन खुदा ने चाहा तो मेरी अर्थी भी बाहर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रूपा कहाँ है? रूपा कौन? मेरी बीवी। ओह आपकी बाईड़ी रूपा भेड़, एक मिनट। देखो घर नंबर 3 की श्रीमती ज्योति देवी देखने गई है ज्योति बने ज्वाला, घर नंबर 7 की श्रीमती शांति देवी देखने गई है क्रांति, घर नंबर 9 की श्रीमती विद्या देवी देखने गई है अनपढ़, यानी यह मोहल्ले की सारी बाईड़ी लोग बाहर गई है और मर्द लोग खाली घर में है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रूपा कहाँ? रूपा बहन, हाँ वो देखने गए पति परमेश्वर। कौन से थिएटर में? लिबर्टी में। वैसे एक टिकट मेरे पास भी है, आपको जाना हो तो। कौन सी पिक्चर का? जोरू का गुलाम। Shut up! मेरा पति मेरा परमेश्वर, सुन जगत पिता ईश्वर, मेरा पति। क्या हुआ? क्या है मेरा पति? क्या बात है? मैं क्यों परेशान कर रहे हैं आप? आपकी चार पांच बीवियां हैं क्या? अबे ओ, जबान संभाल के, चार पांच होगी तेरी, इनकी तो बस मैं हूँ। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि सुनते सुनते तुम यहाँ तक चले आए? फूल सी मासूम बच्ची को ताले में बंद करके तुम यहाँ चली आई? सड़क पे थोड़ी ही छोड़ आई थी, है तो घर में, ताला लगा दिया तो क्या? कम से कम चाबी तो पड़ोसी के यहाँ छोड़ आती। ये लो चाबी, मैंने जब पिक्चर चालू करो। अरे बड़ी बेशरम हो, खत्म का नाम सुना नहीं कि कोले मटका भी चली आई। ये तो सोचा होता कि तुम्हारा नहीं पराया पति है। चलो चलो। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, लाड साहब कहीं का। औरों के गए गुजरे पति भी अपनी बीवी को घुमाने फिराने सिनेमा दिखाने को ले ही जाते हैं। एक ये है, अपनी बीवी को घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझता, खुद तो अपनी बीवी को सिनेमा तक नहीं दिखाता। फिर सिनेमा हॉल में इतनी बड़ी स्लाइड लगाने की क्या जरूरत थी? उसे देखकर चवन्नी छाप लोगों ने सीटियां मार मार कर चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय मेरी रूपा, रूपा मेरी डार्लिंग, रूपा मेरी जान, रूपा मैनेजर के रूम में चलो। तो तुमने क्या किया? पीठ पीछे भोंकने वाले कुत्तों की मैं परवाह नहीं करती, सामने बोलते तो उनका मुंह नोच डालती। किसी को कोसने का फायदा, कसूर तो मेरे नसीब का है। जो मेरे बाप ने मुझे ऐसे अनपढ़ गंवार के पल्लू बांधकर मेरा जीवन नर्क बना दिया, इससे तो मैं कुंवारी अच्छी थी। घर वाली चिल्लाती जा रही है, घर वाला कुछ बोलता है? अरे अभी तो सिनेमा शुरू हुआ है। अरे वो सिनेमा की हीरोइन। ओ भाई लोग, अरे तुम लोगों को कोई दूसरा काम धंधा है कि नहीं? घर में जाके भांडी बर्तन मानने का छोड़ के अपने सेठ लोग का तमाशा देखने खड़े हो गए इधर? अरे शर्म वरम आती है कि नहीं तुम लोग को? जाओ अपना काम करो जाओ। अरे इस प्रकाश सेठ को तो देखो, बाहर तो बड़ा 30 मार का बना फिरता है, इसका जबड़ा तोड़ उसका मुंह फोड़, अब घर में क्यों चुप बैठा है? अरे पोपट, तेरे जैसे झूठे पत्ते चाटने वाले को क्या मालूम कि घर गृहस्थी क्या होती है और एक पति की मजबूरी क्या होती है? अरे हमेरे से जाता है इस घर को और कोई नहीं जानता, समझे ने? इधर तो क्या है मालूम है, इधर नेला है तो उधर देला है, मेले पे देला। सुश्री खुद तो ठंडी है ही, पानी जैसी चाय भी ले आई। मूर्ख, चाय तो पानी होती है, यानी लिक्विड, सॉलिड होती तो तेरे दांत नहीं टूट जाते। आज इसका जन्मदिन है और तोहफे में तू इसे चाटा दे रहा है? आपके इसी लाड़ प्यार ने इस कलमुही को सर पे चढ़ा रखा है, आपने मेरी बात मानी होती तो। अरे तेरी बातों में आकर ही तो दो नमूने पैदा कर दिए हैं। क्यों तूने कहा था कि गंगा में डुबकी मारो तो ये मगरमच्छ पैदा हो गया?
तूने कहा था कि कन्याकुमारी में डुबकी मारो, तो कन्या साक्षात चंडी पैदा हो गई। मैंने हमेशा तेरा कहना माना और फल भोगा, और तूने सिर्फ एक बार मेरी बात मानी, और नतीजा क्या हुआ? इस लक्ष्मी की बदौलत ये महल है, ये कारोबार है, तेरा राजपाट है। लगे ऐसे राजपाट को, पता है कल रूपा के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? दिल बहलावे के लिए सिनेमा देखने चली गई। अच्छा क्या? हाँ, और वहाँ भी थानेदार की तरह आपका दामाद पहुँच गया। और अच्छा क्या? हाँ, और फिल्म रूपा के नाम की स्लाइड लगवा दी। स्लाइड? चुप, सारे शहर में उसने उसका नाम बदनाम कर दिया। बदनाम? अरे आओ आओ प्रकाश, आओ बेटा। जीते रहो बेटे, जीते रहो। आज ज्योति का जन्मदिन है। हाँ। मैंने सोचा। अरे हाँ, उसी के बारे में तो मैं और तुम्हारी सासू जी बहस कर रहे थे। मैंने कहा जन्मदिन की दावत घर में ही होनी चाहिए, और ये कह रही है होटल सी रॉक में होनी चाहिए। बाबूजी, वो बिट्टू नहीं दिखाई दे रहा। बिट्टू? ओ, तुम्हारा लाडला भांजा। मैंने उसे समझा बुझा कर हॉस्टल में भेज दिया है। इस घर के आबो हवा में रहने से वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ठीक किया है ना मैंने? जाओ ना, अपनी बहन से मिल लो। जी बाबूजी। क्यों जी, यहाँ की आबो हवा में क्या खराबी है? तुम जो हो। कुछ नहीं, बहुत बहुत अच्छी आबो हवा है, बहुत अच्छी। ज्योति, ज्योति। हाँ भैया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? अरे देखो तो सही। ये क्या? आज के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू? बता किसने रुलाया तुझे? मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। भैया, तुम जानते हो भैया, इस घर में तुम्हारी जरा सी भी ऊंची आवाज का क्या अंजाम हो सकता है? अगर तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो भैया, तो भाभी को खुश रखो भैया। भले ही उसके लिए तुम्हें अपनी खुशियों का गला क्यों ना घोटना पड़े भैया। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूं। जिस जगह मैंने अपनी करियर शुरू की थी, आज उसी जगह मैं एक अफसर की हैसियत से आई हूँ। लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरा और आपका रिश्ता एक अफसर और मातहत का नहीं, बल्कि प्यार भरा साथियों का रिश्ता होगा। गुलशन का है अंदाज बयां, और हम तो जो भी करते हैं जरा हट के करते हैं। हम गुलशन हैं जिसमें सैकड़ों रंग बिरंगे फूलों की महफिल सजी है। वहीं से निकला हुआ ये फूल आपकी नजर है। एक इल्तजा है, प्यार से दिया हुआ ये फूल आपकी जुल्फों में जगह पाए और आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा दे। हटके है, लेकिन गुलशन से हटके कहाँ जाएगी? न जाने किस डाकण की नजर लगी, इतने दिनों से एक किराएदार नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ने लोगों को मफत में मकान देना शुरू कर दिया हो? अरे नहीं नहीं, अरे लेकिन कोई तो होगा नसीब का मारा जिसको इस दया भाई पे दया आएगी। कहाँ है गरीबों का दाता? अरे मुन्नी, हम भी शंकर दयाल शर्मा MA LLB हैं। ऊपर बोर्ड देखो, मकान तो क्या महल मिल जाएगा। हाँ। ए भाई रोको 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 भाई रोको। अरे गाड़ी है, मालूम है चलती गाड़ी के सामने आना कानूनन जुर्म है। मालूम है मालिक, मालूम है, लेकिन आपकी तारीख हमें नहीं जानते? नहीं तो हम कानपुर में पैदा हुए, नागपुर में बड़े हुए, बनारस में पढ़े लिखे और भटिंडा में वकालत शुरू की। मुवक्किलों को चूना लगाने के लिए हम पूना में बस गए, जहां हमने फुटबॉल की विकेट कीपिंग के बहुत सारे इनाम जीते। कबड्डी खेलने के लिए नासिक गए और गिल्ली डंडा खेलने के लिए भुसावल, और शिकार हमने जबलपुर में शुरू किया। जानते हो आज तक हमने 8 शेर मारे, लेकिन आज हम
नवा शेर नहीं मारेंगे, नवा लोमड़ा मारेंगे। मुन्नी जरा मेरी बंदूक तो ला। नहीं 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 भाई साहब, बंदूक का नाम मत लो। देखो भाई साहब, आपको मेरा जीव लेने का है ना, तो मुझे गाली से मार के उड़ा डालो, लेकिन बंदूक से नहीं। बंदूक से मेरे को बहुत डर लगता है, कातिलों का कातिल। तो तुम जानते हो कि किसी की जान लेना कानूनन जुर्म है, और उस जुर्म के लिए उकसाना जुर्म का भी बाप है। मुन्नी जरा बंदूक। मुझे ये क्या कर रहे हैं आप? दयावान, देखिए बहन, मैंने कोई जुर्म वुर्म नहीं किया है, ये तो इधर बोर्ड लगा था ना, तो मैं पढ़ के इधर मैं जाता हूँ। मेरा क्या जेजे? अरे तुम जानते हो कि हमें मकान की तलाश है, और तुम्हारे पास मकान है फिर भी हमें नहीं दिखाते, ये भी कानूनन जुर्म है भाई। अरे ये जुर्म तो मैं कभी नहीं करूंगा भाई। आप चलो तो मेरे साथ में, इतना मस्त मकान आपको दिखाता हूँ कि आपकी तबीयत खुश हो जावे, मेरे घर के सामने। आओ आओ बहन, ये बाजू आओ, आपको अक्का घर दिखाता है। देखो कितना सुख है, कितना शांति है। उस तरफ से सूरज आता है और इस तरफ से हवा आता है। और इस घर में न मच्छर, न मक्खी और न कॉकरोच। और इस घर में रहने का फायदा भी बहुत है, पैसे का भी बहुत बचत होता है। पता है क्यों? क्योंकि इधर टीवी का जरूरत नहीं, वीडियो का जरूरत नहीं, सिनेमा का जरूरत नहीं, सब मफत में देखने को मिलता है, 3 in 1। आओ मैं बताता हूँ। वो देखो, वो देखो, बीवी हो तो ऐसी। मम्मी मम्मी एक बात बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस? भैंस। अक्ल क्यों नहीं? अक्ल दिखाई पड़ती है क्या? चलिए आई पूछने, भाग यहाँ से। कट्टी कम्बा। हाँ डैडी डैडी, आपने भैंस कैसे बनाई? अक्ल से बेटे। तो फिर अक्ल ही बड़ी हुई ना? बिल्कुल सही कहा बेटे आपने। पर मम्मी तो कहती है भैंस बड़ी होती है। वैसे तो अकल बड़ी होती है जो भैंस को चराती है, लेकिन इस घर में भैंस अकल को चराती है, जैसे तेरी माँ मुझे चराती है। बेकार है, जानते नहीं इस तरह दूसरों के घरों में झांकना कानूनन जुर्म है। अरे तो बारी बंद कर लेने का, वेरी सिंपल। मुन्नी कैसा लगा ये घर? भैया मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा है। वेरी गुड। बहन जाओ अंदर देखो। दया भाई, वो है। वो क्या? बोतल। अरे जितनी चाहो मिलेगी, चिक्कार मिलेगी। ये लो। लेकिन भाई एक बात है, इसमें से 2 नौटा घमेरा भी है। जरूर मिलेगी, लेकिन एडवांस में से काट लूंगा, क्योंकि मुफ्त में पीना कानूनन जुर्म है दया भाई। ओ तारी, आ तो मारो पण बाप निकलो। हाँ